गाइस, आप लोग ये मत समझना कि हमें 1951 में हम लोग सन 2019 में, तो बस आज मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा वीडियो जो कि शायद ही आपने कार्टून देखा होगा। 1951 के एक चाट वाले की दुकान में चाट का जायका देंगे, फिर बताएं कि क्या क्या उसने मिलाया और टेस्ट को कैसे डबल किया। पर 1951 से लेकर अभी तक वो बिजनेस कर रहा है, तो यार कुछ ना कुछ खास बात होगी। तो ये एक है, तो ये भी लगभग बहुत ही पुरानी है। वेलकम बैक टू यूट्यूबर्स लाइव चैनल। और आज हमारे एक नई प्लेस पे नई जगह खाने के लिए, और ये कानपुर से फेमस प्लेस में गिनती होती है, और ये है राम प्रसाद चाट वाले। और इनकी दुकान की बात करें तो इनकी दुकान बहुत फेमस है, और ये आज से नहीं है 10 साल से नहीं, लगभग 50 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है। ये है दुकान 1951 से स्टार्ट हुई थी, और दुकान का फेमस है, और ये कानपुर के मेन शहर में आती है। और इसमें चाट जो इनकी बनती है वो शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है, और उसका टेस्ट तो लाजवाब है। अभी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि ये में टेस्ट क्या क्या है, क्या क्या सब मिलाते हैं जिसकी वजह से इनका दोगुना हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चाट खाना और बताते हैं क्या है। और मुझे देख के उसको बहुत भूख लग रही है, मैं जल्दी से खाना स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, भूख बढ़ती जा रही है देख के, काफ़ी लाजवाब है, खुशबू आ रही है, वो वाके लाजवाब आ रही है। तो खाने से पहले बता दो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इसमें कुछ ऊपर से ये दाना टाइप का डाला हुआ, मुझे पता समझ में क्या आ रहा है। और आलू है साथ में, आलू तो होगी चाट है, तो साथ में मीठी चटनी डाला था, दही डाला था, धनिया डाली है, कुछ मूली डाली है, इस प्रकार से कुछ मसाला मिक्स किया हुआ था, इस प्रकार से कई चीज़ें यहाँ पर मिलाई गई हैं। अब मुझे इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है इसे देख के, तो मैं चाहूँगा इसे खाना स्टार्ट करूँ। इसे मैं खाता हूँ, फिर ज़्यादा टेस्ट कैसे लाजवाब आता है, ये कैसे टेस्ट लगता है। बातें लाजवाब पे है, वाकई टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और जैसा आप तैयार करते हैं देसी घी से, तो लगता है यह में देसी घी है, इसमें स्पाइसी भी है, छोला भी डाला हुआ है इसमें, और छोटे छोला होते हैं जैसे चाट मिक्स बनाई जाती है, तो वो वाला छोला पड़ा हुआ है, आलू है, काफ़ी रियल में काफ़ी लाजवाब, दही डालने से टेस्ट और लाजवाब हो जाता है। इस दुकान की बात करें तो दुकान काफ़ी फेमस प्लेस पे है बताया। अगर यहाँ पे सागर मार्केट कानपुर में आए होंगे, मैं वीडियो देखा होगा आपने सागर मार्केट का, सागर में जैसे बाहर निकलेंगे तो उसी नज़दीक पास में ही बिल्कुल बगल कॉर्नर पे इनकी दुकान है, और यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, और कानपुर की फेमस जगह पर है, कानपुर मेन सिटी में, तो इसके से काफ़ी पॉपुलर दुकान है। आज संडे की वजह से यहाँ काफ़ी कम भीड़ है, हम लोग अभी इस टाइम आए हुए हैं, शाम को 4-5 बज रहे हैं, उस समय इतनी भीड़ है नहीं, लेकिन संडे वैसे कम भीड़, ऐसे वहाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। वैसे सागर मार्केट से यहाँ पहुँच सकते हैं, किसी भी पूछेंगे कोई भी आपको बता देगा यहाँ पर। चाट तो मैंने कई जगह खाई है, बट बहुत ही यूनिक टेस्ट है, और हर चीज़ पे एक मेंटेन कर डाला गया है, लगता है यार काम तो बिल्कुल ये बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही हॉस्टिक रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ ब्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे बताएं, और भी मैं बताता रहूँगा कानपुर में क्या क्या फेमस है, या कानपुर की जो भी पुरानी दुकान है। कानपुर एक्चुअल में है क्या, बहुत पुराना सिटी है, अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कानपुर जानो कि कितना पुराना सिटी है, कितनी
कौन कौन से यहाँ पर जो प्रोडक्ट पर दुकानें हैं, यहाँ का टेस्ट क्या है, यहाँ का जायका क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए, तब मज़ा आता है। वो जो अपना शहर का ना अपनापन जो है वो खाने पीने टेस्ट से ही मज़ा आता है। तो फिर चलिए, मैं तो चाट खा रहा हूँ, आप आके बताइएगा कि कान की सबसे पुरानी दुकान की चाट आपने कहाँ का खाई है, तो मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो यार, कंजूसी मत करते आप लोग, वीडियो देखते हो कमेंट कर दीजिए। हाँ यार, मैंने यहाँ पे चाट खाई है, मैंने वहाँ के, आपने कानपुर में कहाँ कहाँ चाट खाई है, एरिया का नाम जो लिखिएगा, तो मैं आपका इंतजार करूँगा कहाँ कहाँ आपने चाट खाई है। चलिए चाट मैं खाता हूँ। बस एक उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसा ही प्यार दिखाइए दोस्तों भी, जिसको शेयर कीजिएगा, कोई कमेंट हो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।